कौन सी टीम करेगी किस टीम को पास्त, क्योंकि ये मुंबई और बंगाल वॉरियर्स का ये मुकाबला होगा बिल्कुल जबरदस्त। मैं नमन कापरी आपका स्वागत करता हूँ चर्चा है कबड्डी पर। यहाँ मिलते हैं कबड्डी के रंग मेरे और आपके संग। जो तीसरा मुकाबला है ट्रिपल पंगा, आज रात का तीसरा और आखिरी मुकाबला वो खेला जाएगा यू मुंबई और बंगाल वॉरियर्स के बीच। एक महामुकाबला जो आप बिल्कुल लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स टीवी नेटवर्क पर ठीक 9:30 बजे। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों टीमों के इतिहास की, तो 14 बार भिड़ी हैं दोनों टीमें, जहां 10 बार जीती है यू मुंबई और केवल 4 बार जीते हैं बंगाल वॉरियर्स। तो यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छी बढ़त बना रखी है यू मुंबई की टीम ने। अगर हम बात करें टीमों की और खिलाड़ियों की, शुरुआत करते हैं बंगाल वॉरियर्स की टीम से, जहां उनका पिछला मुकाबला था तमिल थलाइवास के खिलाफ। तमिल थलाइवास के खिलाफ मनिंदर सिंह एक बहुत ही बढ़िया रेडर बन के उभरे हैं 8 पॉइंट्स के साथ, और 4 बोनस भी दिए उन्होंने। अमित भी 4 टैकल पॉइंट्स और 1 बोनस के बाद 5 पॉइंट लेने में समर्थ रहे। रण सिंह ने 4 टैकल पॉइंट्स लिए, उनका 7 टैकलिंग में निभाया दर्शन ने और इस्माइल नबीबख्श और अबूजर मोजेर मेघानी ने। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये अच्छा एफर्ट था, बहुत ही बढ़िया एफर्ट था बंगाल वॉरियर्स का। भले ही वो लोग बहुत सारे खिलाड़ी सुपर 10s की तरफ नहीं जा पाए, लेकिन एक खिलाड़ी ने हाईफाई किया है और एक खिलाड़ी ने सुपर 10 भी किया। स्टैटिस्टिक्स की बात करें से हारे हैं, और वो जो मिडवे ऑफ द टूर्नामेंट जहाँ हर टीम आगे की तरफ मुड़ने की सोचती है, यू मुंबई धीरे धीरे पलट रही है पॉइंट्स टेबल में नीचे की तरफ। तो ये बात का ध्यान बिल्कुल रखना होगा यू मुंबई को। और एक ही चीज है, वी अजित, वो खिलाड़ी की एब्सेंस बहुत हर्ट कर रही है इस टीम को। वी अजित इंजर्ड हो गए थे, उनके जगह राहुल सेतपाल टीम में आए, जो केवल 1 रेड पॉइंट, 2 टैकल और 2 बोनस के बाद 5 पॉइंट ले पाए थे। अभिषेक सिंह बहुत ऑफ कलर दिखे, हल्के दिखे आखिरी मैच में, 4 रेड पॉइंट केवल ले पाए। आशीष कुमार 1 रेड पॉइंट, 2 टैकल पॉइंट के बाद 3 पॉइंट ले पाए। डिफेंस में भी अगर मैं देखूं तो कुछ खास मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिख नहीं रहे। राहुल के 2 पॉइंट, आशीष के 2 पॉइंट और हरेंद्र का 1 पॉइंट। उसके अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी दिखा नहीं जो कुछ एक्सेप्शनल, कुछ जबरदस्त कर दिखाए। स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 9 मैच में 9 बार ये ऑल आउट हुई है और 12 बार इन्होंने ऑल आउट किया है। 9 सुपर टैकल्स भी है और 5 सुपर 10 है, जहां 2 है वी अजित कुमार के नाम और 3 है अभिषेक सिंह के नाम। अगर फैंटेसी पिक्स की बात करें तो अभिषेक सिंह टॉप पे है अभी इस टाइम पे, बेस्ट रेडर है यू मुंबई के पास 568 पॉइंट्स के साथ। डिफेंस में रिंकू बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस सीजन, 556 पॉइंट्स के बाद। ये दो खिलाड़ियों पे बिल्कुल नजर रखिए। वी अजित कुमार एक और जबरदस्त पिक, लेकिन क्योंकि वो इंजर्ड है तो मैं आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना की सुझाव दूंगा, क्योंकि शायद अजित कुमार अगला मैच भी ना खेले इंजरी के कारण। तो वो एक डाउटफुल पिक है, लेकिन अगर वो फिट होते तो एनी टाइम मेरे हिसाब से अभिषेक सिंह से ऊपर इनका आप चयन कर सकते हैं। और फजल अतरा, चलिए डिफेंसिव पिक है, 410 पॉइंट्स के बाद एक अच्छे पिक है। तो ये खिलाड़ियों पे आप बिल्कुल ध्यान रखिए, और मुझे लग रहा है आज शायद यू मुंबा का वो दिन है जब वो अपने कुछ खराब प्रदर्शन से उभर कर एक जबरदस्त प्रदर्शन करेगी और बंगाल वॉरियर्स को धूल चटाएगी। तो ये थी हमारे इस मैच की प्रीव्यू, आप देख रहे थे लीग 11 पर चर्चा ए कबड्डी। हम फिर लौटेंगे कल के मैचेस के प्रीव्यूज के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, दबा दीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए यू मुंबई या बंगाल वॉरियर्स कौन सी टीम है आपकी फेवरेट और आप किसके तरफ
आज रूट कर रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मैं नमन कापरी, धन्यवाद।